परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया। वृंदावन कोतवाली के गांव जैत में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैत के सिंगार मोहल्ले में गुरुवार की रात 20 वर्षीय विवाहिता का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव कमरे में गार्टर पर साड़ी के फंदे से लटका मिला। महिला की मौत की सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतार कर कब्जे में लिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इधर सीओ सदर व कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। मृतका 20 वर्षीय पूनम पत्नी राहुल बताई है। बताया गया कि थाना सुरीर के गांव विदुनी निवासी पूनम की शादी जैत निवासी राहुल से करीब 8-9 माह पूर्व हुई थी। पति पत्नी दोनों पिछले काफी समय से टाउनशिप क्षेत्र में रिश्तेदार के यहाँ रहते थे और गुरुवार को ही गांव आए थे। मृतका के पिता ने ससुराली जनों पर दहेज के लिए अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच में जुट गयी। टाइम्सलर सिंह मथुरा समाचार 24। क्या नाम आपका? मेरा नाम लीला है। कहाँ के रहने वाले? लदौनी के। आज क्या घटना हुई आप यहाँ जो आए चौकी पर? घटना जो भैया साहब का छोरी हमारी 8-9 महीना पहले जा कर मैंने जी महीना से है लोकोटाने में जी जी हमारे समझ जा कर वाले कह क्या नहीं कर दो कोई बात नहीं जी जैसो हम पर बने जैसो भैया दे भाई जैसो मौत का जैसो जी जी फिर जिन्हें गुंडे ने भाई हमारी छोरी दिन आई रोज मारो करे कभी मोटर साइकिल मांगे तो कभी धन मांगे कोई गाड़ी मांगे तो कुछ मांगो कहा दो तेरे बापन कहा दो तेरे बापन जाए छोरी पर पिटते ही रही है पिटते ही रही है छोरी आधा घंटा पहले फोन मोचे करो है तो वैसे कोई बात ना बताई छोरी देखिए आधा घंटा के बाद हम छोरी की मरी खबर पहुंचे फिर जिन्हें कोई फोन नहीं उठाया हो फिर हम संग संग घर चले जाए छोरी मारी है ना छोरी घर में कोई नपा नहीं बताया जा रहा है कि फांसी लगा के आत्महत्या की है फांसी लगा के फिर तो धोधा नहीं मार रहे हैं नहीं बताया जा रहा है कि फांसी लगा के आत्महत्या की है क्या क्या मामला है दहेजे के ऊपर मारिए छोरी दहेजे के ऊपर मारिए दहेजे के ऊपर मारिए भैया दहेजे के ऊपर मारिए काई बेवर के बाद आपसे आधा घंटा पहले बात हुई है लड़की की क्या बात है मैंने बेटा कसम मत करा क्या बात आपसे क्या बात हुई थी जो कहे पापा ठीक है मेरी ठीक है बेटा कोई बात ना सही है कोई बात ना है ले रहे थी फिर फोन कर मैं फोन कर देखिए दबी दबी सबको फोन आ रहा है फिर फोन नहीं मिले हुआ है फिर फोन ना मिले और घर कोई मिलो ना मेरे बच्चा छोरी मिली खा जाओ पुलिस आई पुलिस ने कबाड़ तोड़ फोन खा रहे मतलब किवाड़ अंदर से बंद मिले थे पुलिस जाने और काम जाने हमें तो छोरी लड़की मिली है क्या नाम था आपकी लड़की का पूनम मथुरा में।